हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में। आज के दिन 3 सितंबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी देखने को मिली। वीकली एक्सपायरी जो थी बहुत ही शांत देखने को मिली। ज़्यादा कोई बड़ा मूव आपको निफ्टी में देखने को नहीं मिला। एक छोटी सी रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया निफ्टी और 11,527 यानी कि 7 पॉइंट नीचे मात्र निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन अगर हम बात करें दिन के रेंज की तो 11,585 के आसपास दिन का हाईएस्ट पॉइंट था निफ्टी का, और वहीं निफ्टी का जो लो था वो लगभग 11,507 रुपये के आसपास का था। तो 80 पॉइंट की लगभग रेंज में निफ्टी जो है दिन भर कामकाज करता रहा, लेकिन दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाके निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो देखने को आज हमको मिली। लेकिन अगर हम बात करें कोई दूसरे इंडेक्स की तो बैंक निफ्टी जो था आज का टॉप लूजर देखने को मिला। यहाँ पे आपको 1.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। 350 अंकों का नुकसान जो था आज के दिन देखने को मिला। हालांकि 23,500 के लेवल को जो है बैंक निफ्टी बचाता हुआ दिखाई दिया। वहीं ऑटो इंडेक्स में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स में भी 1.5% तक की लगभग तेजी देखने को मिली। लेकिन तेजी वाले शेयरों की बात करें तो इंफ्राटेल में लगभग 11% का तेज उछाल देखने को मिला। वहीं ग्रासिम में 7% का उछाल देखने को मिला। टाइटन लगभग 5.5-6% उछलता हुआ दिखाई दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में। यूपीएल के शेयर में भी 4.42% की तेजी थी और 3.5% से ज्यादा का उछाल विप्रो के शेयर में आज के दिन देखने को मिला। लेकिन अगर बात करें गिरावट वाले शेयरों की, आईसीआईसीआई बैंक में 2% का बड़ा गिरावट देखने को मिला। वहीं भारतीय एयरटेल भी 2% तक टूटता हुआ दिखाई दिया कल की तेजी के बाद। वहीं हिंडालको की अगर हम बात करें तो 1.5% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट थी। कोटक बैंक 1.66% के आसपास गिरता हुआ दिखाई दिया और वहीं पावर ग्रिड में भी 1.63% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब बात करें ऑप्शन डेटा की, किस तरीके के डेटा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की जो क्लोजिंग हुई 11,500 के ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है और अगले हफ्ते 10 सितंबर को अपनी अगली एक्सपायरी देखने को मिलेगी वीकली वाली निफ्टी बैंक निफ्टी की। लेकिन कल के दिन फ्राइडे को किस तरीके से मार्केट कामकाज कर सकता है, क्योंकि लगातार जो वॉल्यूम है वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से नया मार्जिन रूल आता हुआ दिखाई दे, कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है मार्केट में, तो इन कारणों से जो वॉल्यूम था आज वो कोई खास बड़ा आपको देखने को नहीं मिला कैश मार्केट में। लेकिन अगर हम बात करें कल के लिए किस तरीके की पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है, तो 11,500 के पुट पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा 11,91,000 शेयरों का, जहां पे 7,36,000 शेयर आज नए जुड़ते हुए दिखाई दिए। वहीं 11,400 के पुट पे अगर हम बात करते हैं तो 7,56,000 शेयरों की नई एडिशन आज के दिन यहाँ देखने को मिल रही है। 12,18,000 शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो 11,500 के लेवल पे आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद 11,500 के पुट पे आपको इंटरेस्ट हाईएस्ट देखने को मिलेगा। तो 11,400 से 11,500 जो है वो आपको कल के लिए इवन अगले हफ्ते के लिए भी एक अच्छी खासी रेंज बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि डेटा कोई खास बड़े नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये लेवल जो है बचे जा सकते हैं। अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आती है और मार्केट इसके नीचे जाता है तो फिर आपको एक तेज गिरावट देखने मिल सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा कल किस तरीके के डेटा एडिशन देखने को मिलते हैं और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि लगातार ग्लोबल मार्केट से जो क्यूज है वो पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। अमेरिका के बाजार लगातार नए हाई बना रहे हैं और डाओ भी जो है अब नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल पहली बार 29,000 के आसपास कितने दिन के बाद क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। तो मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें कॉल साइड में किस तरीके का रेजिस्टेंस लेवल है, 9,69,000 शेयर जो है 11,500 के कॉल पे जुड़े हुए हैं अभी टोटल आपको, और 5,53,000 शेयर जिसमें से आज ही नए जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ये फ्रेश शॉर्ट होते हुए आज के दिन दिखाई दिए। तो देखना होगा कि क्या कल यहाँ 11,500 के ऊपर ही मार्केट रहता है, 11,600 पार होता है या नहीं होता, क्योंकि 11,600 का जो लेवल है कल के लिए वो थोड़ा रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा। सबसे पहले क्योंकि 14,500 शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट, और कहा जाए तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो कॉल में वो 11,600 के लेवल पे ही बना हुआ है, और 9.5 लाख शेयरों की बड़ी जो कॉल राइटिंग जो है वो आपको 11,600 के लेवल पे आज के दिन देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये पहला रेजिस्टेंस होगा। आप कल देखना होगा क्या 11,600 का रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट काम करता है या वापस उस लेवल को पार कर जाता है, क्योंकि 11,650 के आसपास जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल था अभी तक का हमको देखने को मिला है। अगर निफ्टी कल के दिन 11,650 के ऊपर देता है और इसकी जो वीकली क्लोजिंग है वो 11,650 के ऊपर आती है, तो फिर कहीं ना कहीं हम फिर से आगे अगले हफ्ते आगे की गाड़ी पकड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं 11,700 के कॉल पर भी अगर हम बात करते हैं, 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, 5.5 लाख शेयर जो है आज के दिन नए जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ ये संकेत है कि अपसाइड में रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा देखने मिल रहा है। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की पोजिशन फ्रेश है तो उतनी ज़्यादा बड़ी पोजिशन है नहीं करके आपको डेटा उतने समझ नहीं आएंगे, लेकिन
फिर भी अगर हम बात करें वॉलेटिलिटी की, तो वॉलेटिलिटी जो है वो धीरे धीरे करके कम होती हुई दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कॉल में जो वॉलेटिलिटी चलती हुई दिख रही है 15-16 की एवरेज पे, और पुट की जो वॉलेटिलिटी चल रही है लगभग 20-21-19-18 के एवरेज से चलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको उतनी बड़ी प्रीमियम अब बेचने में नहीं प्राप्त होगी जो कि पहले हैवी प्रीमियम बेचने में मिल जाती थी। तो ऑप्शन प्रीमियम सेल करके भी पैसा कमाना मुश्किल होगा, और अगर ओवरनाइट कोई पोजिशन है और अगर आपको कोई नेगेटिव न्यूज आती हुई दिखाई देती है, जैसे कि इंडिया चाइना के बीच टेंशन चलती हुई दिखाई दे रही है, तो कभी कोई अगर नेगेटिव न्यूज ओवरनाइट आ गई तो आपको गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक वोलेटिलिटी में जबरदस्त स्पाइक देखने को मिलेगा, और अगर उस ऐसा हुआ तो फिर ऑप्शन की प्रीमियम जो है बहुत तेजी से स्पाइक होते हुए दिखाई देगी। लेकिन अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में किस तरीके की पोजीशन जो है अगले हफ्ते के लिए बनते हुए दिखाई दे रही है, तो बैंक निफ्टी की जो पोजीशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज 23,500 के आसपास जो है बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 23,500 के लेवल की अगर हम बात करते हैं आज के दिन, तो 1,90,000 शेयर जो है पुट पे नए जुड़ते हुए दिखे हैं, और लगभग 2,68,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो आज को इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो जो मेन बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो सीधा सीधा आपको 23,000 के आसपास बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिखाई देगा, जहां पे 2,29,000 शेयर आज नए पुट राइटर्स जुड़ते हुए दिखाई दे, और 3,32,000 शेयर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको 23,000 जो ऐसा लेवल होगा जहां पे आप स्ट्रॉन्ग बेस मान सकते हैं कि 23,000 के नीचे शायद बैंक निफ्टी ना जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन कॉल साइड में अगर हम बात करते हैं तो 23,500 के कॉल पे भी लगभग लगभग 1,97,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट, और 1,70,000 शेयर फ्रेश आज के दिन नए जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कल के दिन वापस 23,500 के ऊपर मार्केट जाता है या नहीं जाता। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे 23,500 के पुट और कॉल पे जो प्रीमियम चल रही है वो प्रीमियम जबरदस्त देखने को मिल रही है। ₹500 के आसपास की प्रीमियम जो है वो कॉल पे चल रही है, और लगभग ₹430 की जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट आपको पुट पे चलती दिख रही है। यानी कि लगभग लगभग यहाँ से 1,000 पॉइंट की जो रेंज है वो आप यहाँ से खेलते हुए देख सकते हैं। 900 पॉइंट की जो रेंज है वो आपको सेफ्टी रेंज है। अगर आप यहाँ पे कोई 23,500 के पुट और कॉल दोनों को शॉर्ट कर देता है, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे आपको अच्छी खासी देखने में मिल रही है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, 38 से 40 का आपको यहाँ देखने को मिलेगा पुट में वोलेटिलिटी, और कॉल में भी अगर हम बात करें तो 34-35 की वोलेटिलिटी, तो निफ्टी के मुकाबले यहाँ वोलेटिलिटी डबल है, इसलिए प्रीमियम की वैल्यू भी यहाँ ज्यादा देखने को मिलती है, मूवमेंट भी ज्यादा बड़ा होता है। तो आपकी जो रेंज होगी 22,600 नीचे की तरफ और 24,400 ऊपर की तरफ, यानी कि ये बड़ी रेंज आपको मिल जाएगी लगभग 1,800 पॉइंट की, जिसमें अगर पूरा महीना या पूरा हफ्ता अगला निकल जाता है तो आपको ये पूरी की पूरी प्रीमियम लगभग खाने मिल जाएगी, या इसमें से कुछ ना कुछ पैसा आपको बच जाएगा। लेकिन अगर इस लेवल के पार मार्केट निकल जाता है तो उसके बाद आपको जो है अनलिमिटेड लॉस होगा ऊपर या नीचे की तरफ, 22,600 की तरफ से नीचे या फिर 24,400 के ऊपर अगर जाता है मार्केट बैंक निफ्टी का, तो फिर आप पोजिशन फंसती हुई दिखाई देंगी। लेकिन 24,000 के कॉल की अगर मैं आपसे बात करूं तो 24,400 के कॉल पे एक हैवी रेजिस्टेंस देखने को मिलता है लगभग 4,88,000 शेयरों का, जहां 3.25 लाख शेयर लगभग आज ही के दिन जोड़ते हुए दिखाई दिए। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में 24,000 को निकालना इतना आसान नहीं होगा। जब तक 24,000 नहीं निकलेगा आपको फ्रेश तेजी जो है बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरीके से आज बैंकिंग स्टॉक थोड़े प्रेशर के साथ कामकाज कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी यहाँ एक रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है कल के दिन। हो सकता है जो भी फ्रेश मूव मिले आपको सोमवार से मिले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अपनी पोजिशन को शायद कैरी फॉरवर्ड ना करना चाहे 2 दिन की छुट्टी में। अब 2 दिन में क्या हो जाए बॉर्डर पे या किस तरीके की न्यूज आ सकती है, तो कोई भी इतनी बड़ी पोजिशन जो है या लॉन्ग पोजिशन जो है वो शायद लेके ना जाए। जो भी पोजिशन का होगा वो आपको सोमवार के दिन देखने मिलेगा कि किस तरीके की पोजिशन जो है वो सोमवार को फिर बनती हुई दिखाई देंगी। तो आपको कल का वेट करना होगा कल किस तरीके का ट्रेडिंग सेशन होता हुआ दिखाई देता है। उम्मीद जो है कल के दिन की वो लगता हुआ दिख रहा है कि कल कहीं ना कहीं मार्केट 300-400 पॉइंट में कामकाज करता हुआ दिख सकता है। 23,300 से 23,800 के आसपास की जो रेंज होगी इसी के बीच मार्केट कहीं ना कहीं कारोबार करता हुआ कल बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है एक छोटी सी रेंज में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।